अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़ी क्विक और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी दही पकौड़ियों की। तो देख लेते हैं कि हमें किन किन की चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने ली हुई है 1 किलो दही पकौड़ियाँ जो ड्राई थी और मैंने पानी में आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी। तो ये चाहिए हमें। और उसके बाद हमें इसके अंदर डालने के लिए एक अदद टमाटर, एक अदद बड़ी प्याज, और आप दो भी ले सकते हैं अगर छोटी हो तो। और उसके साथ हमारे पास 2 अदद मैंने ये जो है ग्रीन चिली ली है। साथ में यहाँ पे हमारे पास चाट मसाला, 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, और जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। इधर मैंने ले लिए 2 से 3 जो है अदद मैंने आलू ले लिए हैं। तो आप ये जो है वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आपको किस क्वांटिटी में आलू चाहिए। और इधर चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे पुदीना लिया है बिल्कुल फ्रेश, अपने जो है गार्डन से तोड़े हैं मैंने, और ये धनिया है बिल्कुल फ्रेश, और साथ में ये 3 अदद जो है वो हरी मिर्च। चलिए अब हम जो है बनाने की फटाफट इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इन दही पकौड़ियों को, ये जो पकौड़ियाँ हैं, इनको हम छान कर पानी इनका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं छन्नी में ये जो है पकौड़ियाँ सारी छान लूँगी मज़े से, ताकि इनका सारा वाटर जो है वो निकल जाए। ये हम साइड पे रख लेंगे और इधर जो है हम अपनी पकौड़ियों की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे हम हरे धनियों को यहाँ पे थोड़ा काट लेंगे, मोटा मोटा काट लेंगे, और हमने इसको बाद इसको ग्राइंड करना है तो वो मिक्स हो जाएगा। मैंने ये पुदीना और इसको धनिया को काट लिया है, और अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के, तो चटनी की तैयारी, चटनी बनाने के लिए हम ये ग्राइंडर लेंगे, और इसके अंदर हम ये जो है डाल देंगे। इसके साथ हम डालेंगे दही, थोड़ा सा दही डाल के हम इसको जो है वो बना लेंगे। दही हम पहले चटनी के लिए थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच, और इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर, बिल्कुल थोड़ा सा जो है उसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी ताकि कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल अच्छी बने। तो ये बिल्कुल जैसे आपको बाजार में मिलती हैं बिल्कुल वैसी ही आपको जो है वो, ये देखिए बहुत ही मजे की जो है वो चटनी तैयार हो गई है। अभी हम इसको अलग कर लेंगे। थोड़ी सी चटनी हम निकाल लेंगे गार्निश के लिए, और बाकी की चटनी में हम दही ऐड करके अपना दही बल्लों के लिए दही तैयार कर लेंगे, और इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे, और दही मैं ले रही हूँ ये वाले बड़े कप, और आप कोई सा भी जो है घर में बना हुआ दही ले सकते हैं, या यहाँ मैं लाइफ सेट वालों का ले रही हूँ ये दही, 3 कप बड़े कप ये मैं दही डालूंगी इसके अंदर। इसको हम ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड हमने ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, हमने ब्लेंड इसको बिल्कुल थोड़ा सा करना है। एक और ओपन कर लेंगे। ये हमने डाल दिए, और इसके अंदर हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे। बस हमने इतना ही ब्लेंड करना है, अब इसको हम उतार लेंगे।
अब हम जो है चीजें सारी मिक्स करते हैं, इसके अंदर हम डालेंगे अपनी पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल खस्ता होनी चाहिए और नरम होनी चाहिए। और इसके लिए आपने जो पकौड़ियाँ हैं वो गर्म पानी में डिप करनी है आधा घंटे के लिए, और उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर लीजिएगा। आपकी पकौड़ियाँ बिल्कुल नरम और अच्छी बनेंगी। इसके अंदर ऐड करते हैं हम दही। दही जो है वो आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। थिक चाहिए थिक ले लें, रख लें, या फिर इज ऑल अप टू यू। और इसके अंदर ऐड करेंगे, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद बड़ी प्याज कट की हुई है, 1 अदद बड़ा टमाटर और 2 अदद हरी मिर्च। प्याज डाल देंगे, सॉरी टमाटर, और उसके बाद ये ग्रीन चिली भी डाल देंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अपने कटे हुए आलू। बची हुई चटनी जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हसबे जायका नमक, आपको जितना चाहिए आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। हमने नमक डाल दिया, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और चाट मसाला ऐड करेंगे। तो इधर हमारी बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस दही भल्ले की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है, और आप इसको मज़े से जो है वो इसको अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।